हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 11th. ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ नाइन सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड. ओके, वी हैव हियर अ स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचीफ. इसमें हमने नाइन सर्कल्स बना के एक डिज़ाइन बनाया हुआ है. हमें ये फाइंड करना है कि इस डिज़ाइन के अलावा जितना भी वाइट पोर्शन है हैंडकरचीफ का, उन सबका एरिया कितना होगा. तो इट्स वेरी सिंपल, हमें ये स्क्वायर इसका एरिया फाइंड करना है, फिर ये नाइन सर्कल्स का एरिया फाइंड कर लेना है, और फिर दोनों को माइनस कर देना है. जो बचेगा वो वाइट पोर्शन का एरिया होगा. सिंपल एज दैट. बट फॉर सर्कल द रेडियस इज गिवन. दैट मीन्स अगर हम एक सर्कल का एरिया निकाल लें तो सबका एरिया मिल गया. उसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नौ सर्कल का एरिया मिल गया. वो तो ठीक है, बट स्क्वायर के लिए साइड की लेंथ नहीं दी है. तो स्क्वायर की साइड की लेंथ मतलब डायामीटर प्लस डायामीटर प्लस डायामीटर. एक सर्कल का रेडियस 7, मतलब इसका डायामीटर 14, इसका भी 14 और इसका भी 14, तब तीनों का मिला के 14 3 42 स्क्वायर का साइड का लेंथ होगा 42 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हमें इस चीज़ को लिखना है और फिर हम ये एरियाज फाइंड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. गॉट इट? सो लेट्स डू इट. सो एज आई सेड इन अ फिगर, फॉर ईच सर्कल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब डायामीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. गॉट इट? नाउ द थिंग इज दैट व्हाट वी नीड इज अ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर. लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, जैसे मैंने आपको फिगर में समझाया था, 3 मल्टीप्लाई डायामीटर. क्यों? क्योंकि तीन सर्कल्स है, तीनों के डायामीटर को प्लस करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा. या तो फिर 3 इंटू डायमीटर कर दो, या तो तीनों के डायमीटर को प्लस कर दो, सेम मतलब है. सो दैट विल बी 3 × 14 एंड दैट विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. तो हमारा स्क्वायर जो है इसका लेंथ हमें मिल गया है 42 सेंटीमीटर. अब क्या चाहिए? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ नाइन सर्कल्स. स्क्वायर का एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, और एरिया ऑफ नाइन सर्कल्स मतलब 9 × π r² लेंथ इज 42, सो वी हैव स्क्वायर ऑफ 42. 9 × यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इक्वल नहीं. 9 × 22/7 रेडियस हमें दिया हुआ है 7. सो 7 का स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम्स लिखेंगे. नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो 42 है इसका हमें निकालना होगा स्क्वायर. लेट्स फाइंड आउट ओवर हियर. 2 × 2 2 × 4 फिर 0, 4 × 2 एंड 4 4 16, 4 6 7 1. सो ये हो गया 1 7 6 4 माइनस, ये एक एक सेवन कट, देन 22 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज 9 × 18, 9 × 18 प्लस 1 19, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से. सो दैट इज 1 7 6 4 माइनस 1 9 8 × 7, 7 8 56, 7 9 63 प्लस 5 दैट इज 68, 7 1 7 प्लस 6 दैट इज 13. नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस टू, 1 7 6 4 माइनस 1 3 8 6, हियर वी विल हैव 14, 14 माइनस 6 दैट इज 8, हियर वी विल हैव 15, 15 माइनस 8 दैट इज 7, हियर वी विल हैव 6 माइनस 3 इज 3. सो आवर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर.